मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु पर 20 किलो गांजा के साथ चार तस्कर को किया गिरफ्तार। गंगा पार से तस्करी कर गांजा लाया जा रहा था मुंगेर। मोटरसाइकिल व ई रिक्शा जब्त। एसडीपीओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी मामले की जानकारी। दरअसल मुंगेर के श्री कृष्ण सेतु पर मुंगेर पुलिस ने गांजा लदा ई रिक्शा को जब्त किया, जिससे पुलिस ने दो पैकेट में भरा 20 किलो गांजा बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने चार तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें तीन मुंगेर के एवं एक लखीसराय जिले के तस्कर शामिल है, जो गंगा पार खगड़िया जिले से गांजा तस्करी कर मुंगेर लाया जा रहा था। वहीं सदर एसडीपीओ राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना मिली कि सीकृत सेतु पुल के आसपास अवैध गांजा का खरीद बिक्री होने वाला है, जिस पर मुफस्सिल थाना पुलिस एवं जिला आसूचना इकाई को त्वरित कार्रवाई करने के लिए भेजा गया। पुलिस ने इस दौरान चार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसमें मुंगेर जिले के सफियासराय ओपी क्षेत्र के प्रेम टोला पर्दा निवासी रवीन यादव, सीतारामपुर फरदा निवासी भुवनेश्वर शाह, वासुदेवपुर ओपी क्षेत्र के श्याम कुमार सिंह एवं लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के चेतपुर निवासी परवीन प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसके पास से एक मोटरसाइकिल एवं एक रिक्शा तथा 5 मोबाइल जब्त किया। 2 पैकेट में 10-10 किलो का गांजा भी जब्त किया गया है। वहीं इस मामले में मुफस्सिल थाना में कांड दर्ज किया गया, जिसके बाद सभी गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया गया है। आज एक गुप्त सूचना मिला था कि कुछ तस्कर जो हैं वो गांजा लेके जा रहे हैं, और वो श्री कृष्ण पुल के पास पार करेंगे, और ये काफ़ी दिनों से हम लोग ट्रैक भी कर रहे थे। इस सूचना पे एसपी साहब के मार्गदर्शन और निर्देशानुसार हम लोगों ने आज 13:40 पे मुफस्सिल थाना और डीआईयू की टीम सब कुछ मिल के एक कॉर्डन लगाए हुए थे, और उसको ट्रैप करने का पूरा कोशिश की, और वो ट्रैप हो भी गए, जिसमें 2 पैकेट में 20 केजी गांजा मिला है। आपके सामने जो 4-5 मोबाइल मिली हैं, 5 मोबाइल्स मिले हैं, और ये लोग टोटो वाहन से ले जा रहे थे। इन लोगों के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति में रविंदर यादव, ये सफिया सराय ओपी के तरफ के हैं, भुवनेश्वर शाह ये सीतारामपुर फरदा के हैं, श्यामपुर कुमार सिंह वासुदेवपुर चंडिका स्थान के, और प्रवीण प्रसाद हैं। इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ के और सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया है। नहीं, अभी ये तो अनुसंधान का विषय है, अभी फर्दर पूछताछ हो रही है, और फर्दर पूछताछ होने के बाद बैकवर्ड लिंकेज एंड फॉरवर्ड लिंकेज के बारे में हम लोग बात करेंगे उसके बाद। ये अभी इसकी आकलन नहीं की गई है, अब देखते हैं प्रेजेंट रेट के अनुसार हम लोग देखेंगे कितने का ये है, मतलब प्राइस इसका जाता है। ये तो सर कम से कम हो